दोस्तों काम कर 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 थक गए इतनी जल्दी थक गए अभी तो सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ पर चलो डिसपॉइंटमेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है आप बिडिंग कर रहे हैं आप वो तमाम तरीके फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको जवाब नहीं आता कई ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी जगह एफर्ट लगा रहे हो जहां आपकी जरूरत ही नहीं है नहीं समझे दोस्तों मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा हर काम को करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है अगर आप वो काम उस अप्रोप्रिएट टाइम के अलावा करते हैं तो तैयार रहिए किसी भी किस्म के सेटबैक के लिए और वो अमूमन सेटबैक यही होता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको पॉजिटिव जवाब नहीं मिलेगा बिकॉज जो वक्त था उस वक्त आपने शो अपनी किया उस काम के लिए चाहे बिजनेस हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मीटिंग्स हो चाहे कारोबार हो या चाहे फ्रीलैंसिंग हो हाँ फ्री के लिए जानना बहुत जरूरी है कि टाइमिंग एक्चुअली मैटर्स अ लॉट बट आपको ये कैसे पता लगेगा कि टाइमिंग कैसे मैटर्स अ लॉट देखिए पाकिस्तान और अमेरिका में ना अमूमन बारह तेरह घंटे का टाइम डिफरेंस है इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ पाकिस्तान में दिन है एन मुमकिन है कि अमेरिका के तमाम स्टेट्स में इस वक्त मिड नाइट हो आधी रात अब आधी रात का मतलब है कि मैं अगर प्रोजेक्ट पे इस वक्त बेड करूंगा तो क्लाइंट सोया हुआ है पर इसका यह मतलब भी तो है कि जब मैं सोया हुआ था एम्प्लॉयर ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हो और वो तमाम फ्री जो उस वक्त जागे हुए थे उन्होंने टाइमली रिस्पॉन्स दिया हो और उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल इनिशिएट भी हो गया हो अभी भी नहीं समझे ना और आसान तरीके से समझाता हूं क्योंकि एक पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता हूं गोरा यानी कि क्लाइंट अब मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा मिसाल के तौर पर शाम को अपने दफ्तर से वापस आता है पांच बजे और छः साढ़े छः लगभग इसी वक्त के करीब यू you नो know, नियर अबाउट प्रोजेक्ट पोस्ट कर देता है ऑन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस चाहे आप चाहे फाइवर हो चाहे जनाब फ्री हो चाहे गुरु हो कोई भी हो ये बारह घंटे का अगर आप डिफ्रेंस देखो तो आपके शाम के सात आठ बजते हैं आपने पाँच बजे काम खत्म करके बैग पैक करके लैपटॉप की लिड क्लोज करके निकल गए आप सुबह आए नौ बजे उस वक्त वेस्ट में बारह घंटे का डिफरेंस अगर देखा जाए तो रात के नौ बजे कितना बड़ा गैप आपने लिया बारह घंटे से ज़्यादा का कितना बड़ा गैप लिया आपने वो फ्रीलांसर ज़्यादा चांस लेगा जो उनके टाइम जोन के मुताबिक काम करेगा इट मे साउंड हार्श बट दिस इज द ट्रू रियलिटी फ्रेंड्स फ्रीलैंसिंग अप्रोप्रिएट बिड का टाइम हमारी शाम और रात है सात आठ बजे से लेके, अब मैं थोड़ी सी वार्निंग दे रहा हूँ रात तलक सुबह तलक तीन चार बजे मैंने पंद्रह साल फजर तक काम किया पंद्रह साल क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर मैं दिन में बिड करूंगा तो इंप्लॉयर सोया हुआ है और एन मुमकिन है कि मेरी बिड चूंकि बारह घंटे बाद हो रही है तो तब तक जिस वक्त प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ था उस टाइम से लेके इस बारह घंटे के टाइम डिफरेंस में कहानी मुक गई कम्युनिकेशन भी हो गई डिफरेंट फ्रीलांसर्स के साथ मैंने क्या किया मैंने अपना टाइम वेस्ट किया मैंने अपनी बिड वेस्ट की देखो दो काम किए टाइम इज मनी राइट सो इज द बिड मुफ्त की तो नहीं बिड पड़ी हुई ना अगर फ्री प्रोफाइल भी ले रहे हो तो बिड एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको मिलती है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीलांस लेंस मार्केट प्लेस यू चूज़ टू वर्क एज अ फ्रीलांसर मेरे नज़दीक बड़े पते की बात अब बताने लगा लगों आजमाई हुई है मेरे से ज़्यादा फ्री लेंसिंग इस मुल्क में शायद किसी ने नहीं की हुई अगर मैंने वन मिलियन यू डॉलर्स कमाया या इससे भी ज़्यादा कमाया काम करके ही कमाया हमारे साथ शाम के और हमारे फजर का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू तो वर्क एज अ फ्री आपको अपनी रूटीन स्विच करने पड़ती है सेम को फॉर द पी अगर आपने बिड कर दी रात के वक्त फॉर अ डिस्कशन से और पी आया रात के दो बजे आप गए सो मिसाल के तौर पे और आपने जनाब सुबह बारह बजे जाके दस घंटे के टाइम डिफरेंस के बाद पी का रिस्पॉन्स दिया क्लाइंट उस वक्त सोया हुआ है अब जब क्लाइंट उठेगा उसके छः घंटे बाद ये तकरीबन पंद्रह सोलह घंटे का रिस्पांस टाइम आपने लूज कर दिया अगर आपके लिए एम्प्लॉयर ने पीएमबी खोला तो आपके ख्याल में इनके लिए या इनके लिए नहीं खोला होगा इनके लिए भी पीएमबी खोला होगा इन्होंने भी सवाल पूछा होगा इन्होंने भी ऑफर दी होगी अब क्या करें सो फ्री लैंसिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग सेक्रीफाइज टाइम ड्यूरेशन अपना टाइम जोन काम करने का एनालाइज कीजिए जो वक्त रात और सुबह का है तो वो बेस्ट है बिडिंग करने का सुबह के वक्त बैठ करके अपना टाइम वेस्ट होता है अनलेस एंडिल आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप कंट्री देख लेते हैं एम्प्लॉयर की बेड करते हुए मिसाल के तौर पे अगर मैं सुबह दस बजे बेड करता हूं जो कि मैं करता भी हूं तो मैं कभी अमेरिका के क्लाइंट पे बेड नहीं करूँगा मैं बेड करूंगा सिंगापुर मैं बेड करूंगा ऑस्ट्रेलिया मैं बेड करूंगा न्यूजीलैंड में बिड करूंगा वेस्ट इंडीज इन ममालिक के लिए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिकॉज उनका टाइम डिफरेंस आपसे सुबह जल्दी हो जाती है लेकिन अगर मैं दोपहर के दो बजे की बात कर रहा हूं तो मेरे पास तो सिर्फ इंडियन क्लाइंट ही मिलेगा और अमरीकी सोया हुआ है सो काइंडली काइंडली इस फैक्टर को ख्याल रखिए इस बात को मद्देनजर रखिए कि बेडिंग का टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए दे से हिट द आयरन वेन इट इज हॉट तभी इम्पैक्ट बनता है रात का वक्त बेस्ट टाइम है बिडिंग करने का